आज का वीडियो एक एफसी हॉल होने वाला है। तो रिसेंटली मैं गई थी एफसी रोड, जो पुणे की ही बेस एक लोकल स्ट्रीट मार्केट है। तो ये मेरे साथ थर्ड टाइम हो रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ और तभी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होता है। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं एफसी। ऑलरेडी 6 बज चुके हैं बट अभी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो हम अपने फ्रेंड को बोले कि वो थोड़ा सा पेट्रोल ला के दे ताकि हम पेट्रोल पम्प पर चले जाएँ एंड फिर जाके हम जाएंगे एफसी। अब देखो कितना लेट होता है, बट वो 9 बजे तक खुला रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स कैच अप देयर। गुड लक कैफे जो कि ऑपोजिट में है, फोकस थोड़ा हिल रहा है इसीलिए पता नहीं चल रहा है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और खाएंगे। वहाँ का बन मस्का बहुत ज़्यादा फेमस है तो हम वही खाने वाले हैं आज। तो हम एफसी रोड पहुँच गए हैं, भूख लगी थी इसीलिए हम गुड लक कैफे पे रुके। गुड लक कैफे एग्जैक्टली एफसी रोड के चौक पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट है उस रोड पे। आप देख सकते हैं रोड के उस साइड में मार्केट है। एंड अभी हम गुड लक कैफे में यहाँ का फेमस चाय मस्का बन मस्का खाने के लिए। खाने के लिए भी बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी बहुत कुछ है एंड शॉपिंग के लिए बहुत ही, यहाँ ज़्यादातर गर्ल्स के लिए शॉपिंग है बट फ़ोन कवर एंड शूज़ लड़कों के लिए भी मिल जाते हैं। तो मेरे बैक साइड में ही एंड पूरी लेन है जो पूरी मार्केट है। शॉपिंग द बिग वी आर एट वड़ेश्वर। यहाँ का वड़ा बहुत फेमस है तो हम अभी यहाँ रुके हैं और ऑर्डर कर दिया है एंड वेटिंग कि हमारा ऑर्डर जल्दी आ जाए। केसरिया लाइन, वो भी एक ऐसी ही अंदर लेन है, बड़ी है, कम से कम वहाँ 50 सबसे ज़्यादा होंगी, लेकिन वो आज हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेट हो गया है बहुत। वहाँ पर भी बैग, कपड़े, शूज सब कुछ है। ये बहुत लाइन है, ये फर्स्ट गेट है इसकी, जहाँ वेलकम लिखी है वो फर्स्ट गेट है एंड जो सेकेंड वेलकम लिखी है वो उसका सेकेंड गेट है। तो आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो और जा सकते हैं। उसी के बाजू में
कॉर्नर में आर्टीज है एंड इधर डायगोनली में गुडलक कैफे है। ब्लॉग के लिए इतना ही, अभी हम ये वीडियो को एंड कर रहे हैं, ये ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। एंड जो भी मैंने शॉपिंग की है, मैंने बहुत लिमिटेड शॉपिंग की है क्योंकि मैं ऐसे ही आई थी जस्ट खाने के लिए। तो ये भी मैंने शॉपिंग की है, ये वीडियो के एंड में रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो टिल देन, बाय बाय। तो आपने ब्लॉग में ऑलरेडी देख लिया कि मैं शाम के समय गई थी, तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया है। बट फिर नेक्स्ट डे मैं फिर वहाँ गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ से थोड़ा बहुत और शॉपिंग किया है। एंड मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सारी कुछ शॉपिंग किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मेरे पास है ये एक स्लिंग बैग, और इसको ऐसे भी आप कैरी कर सकते हैं ऐसे नॉर्मल। एंड इसका कलर आप देख सकते हैं, ये ब्लश पिंक कलर है, ये भी बहुत ट्रेंड में है। एंड इसका ये स्लिंग आता है, आप इसको छोटे करके एक शोल्डर बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बैग आपको वहाँ पे बहुत सारी मिल जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 200 to 500 रेंज, छोटी बड़ी सब मिल जाएगी। एंड इसमें बहुत अच्छी है, इसमें दो ऐसा चेन आ जाता है सिस्टम, एंड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, कुछ ऐसा क्रैक्स नहीं आएंगे थोड़े दिन बाद। तो पहला प्रोडक्ट मेरा ये है। सेकेंड है, और ऐसे ही बैग्स है, ऐसे ही बैग्स है। जब मैं सेकेंड डे गई थी तब मैंने ये वॉलेट खरीदा था। ये एक नॉर्मल वॉलेट है जिसमें पैसे या कुछ कार्ड वगैरह रख सकते हैं, ऐसा इसमें चेन आता है एंड ये पॉम्पम आता है। तो इसकी प्राइस है 100 rupees, वो 120-150 होते हैं, बट लास्ट में 100 पे दे देते हैं। तो ये ऐसी वॉलेट ना आपको हर एक मार्केट में मिल जाएगी। लास्टली मैंने फैशन स्ट्रीट की हॉल की है, तो उसमें भी एक ऐसी वॉलेट मैंने दिखाया है जो कि वो मैंने मेरे फ्रेंड ने लिया था। तो इस बार मैंने भी ऐसा सेम टैन कलर पे ले लिया है। तो ऐसी वॉलेट आपको हर स्ट्रीट शॉपिंग एरिया में आपको पुणे में मिल जाएगी। एंड थर्डली मैंने एक और एक बैग खरीदा है, ये बैग मेरे लिए नहीं है, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए खरीदा है। तो ये भी एक नॉर्मल एक बैग है, तो आप ऐसे भी उसको कैरी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर एक और आता है कि इसके अंदर आप एक स्लिंग भी आता है, वैसा एक स्लिंग आता है। तो ये पार्टी वेयर एक बैग है, आप इसको आराम से बस स्लिंग बना के कैरी कर सकते हैं। इसमें स्पेस भी काफ़ी आती है, एंड इसमें अंदर पे एक चेन है एंड बाहर की तरफ भी एक चेन है, दोनों तरफ एक चेन है। तो ये बहुत अच्छा है ऐसे पार्टी वेयर है, शादी वादी में यूज़ करने के लिए। मेरी मम्मी ने बोला था मुझे लेके आने को, तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, अभी घर जाऊँगी तो उनको दूँगी। तो अब देख ही लिए होंगे कि बैग की शॉपिंग बहुत हो गई है। तो अब चलते हैं कुछ क्लोथ्स में। एक्चुअली जो टॉप वगैरह है वो मैंने नहीं खरीदा है, मेरी फ्रेंड ने खरीदा है, तो मैंने उससे वीडियो के पर्पज से मांग के लेके आया है। तो ये एक ऐसी टॉप है, आप देख सकते हैं, ये ऐसे बांधने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ पर फ्लेयर्स है। तो ये ऐसी टॉप आपको फ्री साइज में आती है, साइज की कोई दिक्कत नहीं आती, कॉटन मटेरियल के है, पहनने से तो काफ़ी अच्छी दिखती है। टेफलम टाइप का टॉप है एंड वहाँ के टॉप की रेंजेस 200 to 500 600। मैक्सी ड्रेस भी आपको वहाँ खूब सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। इंडियन वेयर आपने ऑलरेडी ब्लॉग में देखा ही है कि वहाँ की कलेक्शन बहुत अच्छी है, एंड अगर रिसेंटली आप ऐसे जाते हो तो वहाँ की कलेक्शन बहुत ही अच्छी है। और वहाँ पे अगर आप शाम के समय जाएंगे, जब बंद होने के टाइम होता है 8 to 10 वाले टाइम पे, तो आपको नीचे लेन में पटरी से आपको बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees में। आपको श्रग मिल जाएगा अराउंड 50 rupees में। तो शाम के समय वहाँ पर ऐसे बाहर पे ठेले टाइप में ऐसा बॉक्सेस में लगते हैं, तो आपको वो ढूंढना पड़ता है, बट आपको कभी कभी अच्छा कलेक्शन भी मिल जाता है। अगर आपको ऐसे कुछ स्टॉल्स वगैरह चाहिए लाइक स्कार्फ जैसा में बांधने के लिए, तो ये एक्चुअली मैंने दूसरे रास्ते से खरीदा है, बट वहाँ पे इस टाइप के भी ये बांधनी मटेरियल में ऐसा कॉटन प्योर कॉटन में आपको ऐसे पे भी मिल जाएगा। इसकी रेंज स्टार्ट होती है 120 से लेके 180-200 एज पर द क्वालिटी एंड एज पर
लास्टली हम एक शॉप गए थे जो कि है एग्जैक्टली गुडलक काटे का जो चौक है उससे। अब अगर एससी की तरफ जाओगे, एससी कॉलेज की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड साइड में एक बहुत अच्छी शॉप है, वहाँ पे आपको चप्पल वगैरह बहुत मिल जाती हैं। इस टाइप की जो स्क्रंचीज वगैरह है, ये हेयर बैंड्स है, एंड जो मैंने अभी यूज किया है वो आपको वो शॉप में बहुत सारे अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे। तो मैंने वही स्टोर से ये सारा कुछ खरीदा है, सब कुछ मैंने वहीं से खरीदा है। ये एक स्क्रंची, आप इसको हेयर टाई की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक हेयर बैंड है, ये नॉर्मली कपड़े वाला है, ये भी आप इसको एज अ स्क्रंची भी यूज कर सकते हैं हेयर टाई में, एंड एज अ बैंड भी। एंड दिस इज ऑल्सो बैंड एक न्यूड कलर का, एंड जो अभी मैंने बताया है रेड कलर का। तो इसकी ये सारी की प्राइस फिक्स प्राइस थी 50 रुपीज, एंड जो ये एक है ये मैंने 30 रुपीज के दूसरे दुकान से खरीदा। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा था इसलिए शायद मुझे 30 रुपीज में मिल गया और सबकी 50 रुपीज ही रेट है। तो लास्टली एंड वही शॉप में आपको कुछ जूती वगैरह मिल जाएगी, कुछ ऐसे फ्लिप फ्लॉप टाइप चप्पल। एंड अभी रिसेंटली एसी में बहुत सारे नए कलेक्शन आए हैं चप्पल के, सारी इस टाइप की चप्पल मिल सकती हूँ। मैं एक्चुअली डेली यूज कर रही हूँ, बहुत गर्मी हो गई है, ये वीडियो में बहुत दिन बाद बना रही हूँ। ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, वाइन कलर बहुत कलर मिल जाएंगे। तो मैंने ब्लैक ही लिया है क्योंकि ब्लैक तो बहुत फिट जाता है इसलिए। एंड लास्टली मेरे पास कुछ एक वॉच है जो कि मुझे वहाँ तो पसंद आई थी, बट घर आके मुझे पसंद नहीं है, इसकी बेल्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, एंड डायल भी एक्चुअली मार्केट बंद हो रहा था, एकदम रात हो गई थी। तो फिर जब मैं आई तो मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंस रहे थे कि तुम्हें ये क्या लेके आया है। तो फिर भी ये ब्लैक कलर का है तो मैं नॉर्मल यूज़ कर लूँगी, ये मैंने 150 रुपीज में ख़रीदा है। कोई नहीं, ब्लैक है, बेल्ट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, एंड इसकी एक अंदर की डाई की एक स्टोन भी निकल गई है, बट नेवरदलेस मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो मैं यूज़ कर लूँगी। एंड लास्टली जो मेरे पास है ये है की चेन, ऐसी की चेन वहाँ पे आपको पेयर में भी मिल जाएगी, सिंगल में भी मिल जाएगी। तो मैंने नॉर्मल बैटमैन खरीदा, एंड वहाँ पे और भी कोलापुरी चप्पल एंड इस टाइप की जो मैंने खरीदा था बेली टाइप की चप्पल वहाँ बहुत है। तो ये सारे थे मेरे खरीदे हुए कुछ प्रोडक्ट और मेरे फ्रेंड के खरीदे हुए कुछ प्रोडक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड आपको किस टाइप की वीडियोज चाहिए आप उसमें कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर मुझे आप फॉलो नहीं किए हो इंस्टाग्राम पे तो आप वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके तुरंत सब्सक्राइब करें, जब इतना वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।